नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले 10 दिनों के अखबार से निकाले गए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवालों को देखेंगे, जिनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना बन सकती है। हम प्रत्येक 10 दिन पर इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं, तो हम बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कोविड की 100 करोड़वीं डोज किस व्यक्ति को लगी है? तो ये अरुण राय को लगी है, जो कि एक दिव्यांग है और उनके टीकाकरण के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। वहीं अगला प्रश्न है, सुधीर मन कप खेल से संबंधित है, किस खेल से? तो यह बैडमिंटन से। वहीं जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं फुमियो किशिदा। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 कौन बनी है? तो श्री सैनी। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया को हाल ही में किसने सबसे अधिक बोली लगा खरीदा? तो टाटा ग्रुप ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अभी बीजेपी से मंत्री हैं, इससे पहले वे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की इकाई सीमा सड़क संगठन ने पहली बार सड़क निर्माण कंपनी की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है, किसे? तो मेजर आयना राणा को। हमारा नौवां सवाल है, साल 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो उन मिला है मारिया रसा और दमित्री मुरतोव। इसे याद करने के लिए कर सकते हैं मारिया रसा को, कि कितना भी मार खाता है फिर भी वो शांत रहता है, इसे इस तरह से लिंक कर सकते हैं। वहीं दमित्री मुरतोव, इसको हम जोड़ सकते हैं कि सभी के साथ दमित्री, यानी कि मैत्री इसमें जुड़ा हुआ है, मैत्री सभी के साथ मैत्री स्वभाव उसका रहता है, इसलिए उसे शांति पुरस्कार मिला है नोबेल में। वहीं मारिया कितना भी मार खाती फिर भी शांत रहती है, तो इसे भी शांति पुरस्कार मिला है। तो मारिया रसा हो गया और दमित्री मुरतोव हो गया। और यहाँ पे हम बता दें, मारिया रसा जो है फिलीपींस की हैं और दमित्री मुरतोव जो है रूस की हैं। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट है, फुटबॉल नेशंस लीग 2021 का खिताब किसने जीता? तो फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये भारत के हैं सुनील छेत्री, जिन्होंने 77 गोल किया है। वहीं पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने 112 गोल किए हैं। और वहीं दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी हैं, जिनका 79 गोल है। अगला प्रश्न है, साल 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो अमेरिका के 3 अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इसे भी याद करना आसान होगा, पहले व्यक्ति डेविड कार्ड हैं, दूसरे जोशुआ एंग्रिस्ट हैं, तीसरे गुड्डो इम्बेस हैं। तो डेविड कार्ड को ऐसे भी हम डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं कि डेबिट कार्ड है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, बैंक का एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड, तो इसे तो ऐसे आसानी से हम याद कर लिए कि डेबिट कार्ड को अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए अर्थशास्त्र में मिला। वहीं जोशुआ एंग्रिस्ट हो गए और एक तीसरे जो है गुड्डो इम्बेस है, तो इसको इस तरह से गुड इन्वेस्ट से हम कर सकते हैं, गुड इन्वेस्ट अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो गुड इन्वेस्ट या गुड्डो इम्बेस, तो ये दो तो आसानी से याद हो गया, तीसरा ऐसे भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं या अपने दिमाग से कुछ और नया तिक्रम लगा सकते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो शिवांगी सिंह है। वहीं अगला प्रश्न है, अगला राष्ट्रमंडल खेल होना है कहाँ? बर्मिंघम में। वहीं नेक्स्ट है, अगला एशियाई खेल कहाँ होना है? तो हांगझू में, जो कि चीन में पड़ता है। नेक्स्ट है, ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह जीते हैं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है, 14 साल की उम्र में शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज बन गई है? नम्या कपूर। अगला प्रश्न है, 2021 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें है स्युकुरो मुनाबे, जो कि जापान के हैं, दूसरे हैं जो कि क्लास हेसलमैन है जर्मनी के, और जॉर्जियो पारिसी इटली के, इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला है। अगला प्रश्न है, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है,
आखिरी प्रश्न है, फॉर्च्यून 500 फॉर्च्यून 500 2021 की सूची में शीर्ष 50 में कितने भारतीय अमेरिकी महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है? तो 4 भारतीय अमेरिकी महिलाओं ने जगह बनाई है। वहीं पहला स्थान पर इस सूची में जो है करेन लिंच हैं, जो कि CVS हेल्थ की CEO हैं। वहीं हम उन 4 भारतीय अमेरिकी महिलाओं को जान लेते हैं, तो रेवती अद्वैती जिनका 29वां स्थान है, ये जो है फ्लेक्स कंपनी जो कि विनिर्माण कंपनी है के CEO हैं। वहीं दूसरे जो हैं सोनिया सेंगल हैं, जिनका स्थान 35वां है, और ये जो है अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल फैशन ब्रांड गैप के CEO हैं, GAP गैप, इसे आप लोग जानते ही होंगे। वहीं अगले जो हैं बेला बजाड़िया, जिन्होंने 36वां स्थान प्राप्त किया है, और ये जो है नेटफ्लिक्स मनोरंजन क्षेत्र की कंपनी ग्लोबल टीवी की प्रमुख है। नेटफ्लिक्स को भी बहुचर्चित कंपनी है जिसे आप जानते हैं। और ये चौथा जो स्थान प्राप्त किए हैं वो 50वां रैंक है इनका, शर्मिष्ठा ग्रुप, जो कि मैच ग्रुप ऑनलाइन डेटिंग साइट टिंडर, मैच, मेटिक, ऑक्यूपाइड, हिंगे पेयर्स आदि के CEO हैं। टिंडर वगैरह का ऐसे भी ऐड ज़्यादा आता है, यूट्यूब वगैरह पर वीडियोज़ आप देखते होंगे। तो आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न था। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।